हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससीबी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिया की टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में क्या परफॉर्मेंस रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया के टोटल पार्टिसिपेंट्स थे 127, जिन्होंने 18 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। इंडिया का टोटल कॉन्टिजेंट साइज था 228, जिसमें 56% इसमें मेन थे और 44% इसमें वीमेन थे। इंडिया का ऑफिशियल थीम सॉन्ग, जिसका नाम था लक्ष्य तेरा सामने है, इसको कंपोज और गाया था सिंगर मोहित चौहान ने। इंडिया का ऑफिशियल चीयर सॉन्ग, जिसका नाम था हिंदुस्तानी वे, इसको क्रिएट किया था एआर रहमान और अनन्या बिरला ने। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी, जो कि 23 जुलाई को थी, इसमें इंडिया के फ्लैग बेरर थे सिक्स टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम और मेन्स हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। अगस्त 8 को जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, इसमें इंडिया के फ्लैग बेरर थे रेसलर बजरंग पुनिया। अगस्त 24 को जो टोक्यो पैरालंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें फ्लैग बेरर होंगे हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु। मेडल टैली की बात की जाए तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जो कि इंडिया की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। इसमें इंडिया ने जीते हैं 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। आगे हम जानते हैं इन मेडल विनर्स के बारे में डिटेल से। इंडिया के लिए गोल्ड जीता है जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में, और इस तरह नीरज चोपड़ा बन चुके हैं सेकेंड इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा बिलोंग करते हैं पानीपत हरियाणा से, और इन्होंने जो ओलंपिक थ्रो किया था वो किया था 87.58 मीटर्स तक। इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है चेक रिपब्लिक के जैकॉब ने, और चेक रिपब्लिक के ही वेडस्लेम ने इसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 1920 के ओलंपिक से, जब से इंडिया ने कंटिन्यूअसली ओलंपिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, हालांकि 1900 में इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कंटिन्यूअसली ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है इंडिया ने 1920 से। तो 1920 से लेके अब तक किसी भी इंडियन एथलीट ने गोल्ड नहीं जीता था, जो कि अब जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। इंडिया के लिए 2 में से 1 सिल्वर जीता है वेटलिफ्टर शाइकॉम मीराबाई चानू ने, जिन्होंने 202 kg वेट लिफ्ट किया था विमेन्स 49 kg कैटेगरी में। मीराबाई बिलोंग करती है मणिपुर से। इस इवेंट में चाइना की प्लेयर ने जीता है गोल्ड, और इंडोनेशिया की आयशा विंडी ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन वेटलिफ्टर्स में सिर्फ अब तक कर्णम मल्लेश्वरी ने ही ओलंपिक मेडल जीता था, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 69 kg कैटेगरी में 2000 के सिडनी गेम्स में, और अब साइकॉम मीराबाई चानू ने इस साल जीत लिया है सिल्वर मेडल। इंडिया के लिए दूसरा सिल्वर जीतने वाले पेयर का नाम है रवि कुमार दहिया, जिन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में सिल्वर मेडल जीता है। ये बिलोंग करते हैं सोनीपत हरियाणा से। रवि दहिया इस इवेंट में रशियन रेसलर से हार गए थे, और इस तरह रवि कुमार 5th इंडियन रेसलर बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। उनके अलावा केवी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ने ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीता है पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में विमेन्स सिंगल्स कैटेगरी में, और इस तरह से पीवी सिंधु पहली इंडियन वुमेन बन चुकी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 ओलंपिक मेडल जीत लिए हैं, और पीवी सिंधु सेकेंड इंडियन पर्सन बन चुकी है जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में 2 ओलंपिक मेडल जीत लिए हैं। इनके अलावा सुशील कुमार ने 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं। इंडियन बॉक्सर लवलीना बोरगेन, जो कि असम से बिलोंग करती है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन्स वॉल्टर वेट 64 से 69 kg कैटेगरी में, और इस तरह से लवलीना बोरगेन सेकेंड इंडियन बॉक्सर बन चुकी है एमसी मैरीकॉम के बाद, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। रेसलर बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है कजाकिस्तान के प्लेयर दौलत को मेंस फ्रीस्टाइल 65 kg कैटेगरी में हरा के। बजरंग पुनिया पहले ऐसे इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने भी इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी की टीम को हरा के। इंडिया ने लास्ट ओलंपिक हॉकी मेडल जीता था 1980 में, जो कि गोल्ड मेडल था, और अब 41 साल के बाद इंडियन मेंस हॉकी टीम ने इस स्पोर्ट में मेडल जीता है। जो 16 मेंबर्स की मेंस हॉकी टीम थी, इसके कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, और इस तरह से 32nd ओलंपिक गेम्स खत्म हो गए, और अब 2024 में पेरिस में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगर मेडल टैली में देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे जो कंट्री रही है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने टोटल 113 मेडल जीते हैं।
सेकेंड पोजिशन पे रही है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिन्होंने 88 टोटल मेडल जीते हैं। थर्ड पोजिशन पे जो कंट्री रही है उसका नाम है जापान, जिन्होंने 58 टोटल मेडल्स जीते हैं। इंडिया की पोजिशन टोक्यो ओलंपिक्स में रही 48 पोजिशन, जो कि इंडिया की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, जिसमें इंडिया ने जीते हैं 7 टोटल मेडल्स। इसके अलावा हम ये भी जान लेते हैं कि 2028 के जो समर ओलंपिक्स होंगे वो होंगे लॉस एंजलिस में, और 2032 के जो समर और पैरालंपिक गेम्स होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया की सिटी ब्रिस्बेन में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और SSCB चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस और भी लाती रहूँ।